आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। यह भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। जब भी बात भारतीय हैंडलूम की होती है तो हमारा ध्यान खादी की ओर जाता है। हम सभी जानते हैं कि खादी जैसे प्राकृतिक फाइबर को गांधी जी ने अंग्रेजों से लड़ाई के वक्त दोबारा जिंदा किया था, लेकिन प्राकृतिक फाइबर इससे कहीं ज्यादा पुराना है। इसके सबूत आपको रामायण से लेकर महाभारत तक में मिल जाएंगे। तो आइए आज नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर जाने भारत में इसकी शुरुआत कहां से हुई। साल 2015 में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई में नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया था। तब से हर साल 7 अगस्त को इसे मनाया जा रहा है। इस दिन को चुनने का कारण यह है कि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसका उद्देश्य भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। भारत परंपराओं का घर है, लेकिन अंग्रेजों की हुकूमत ने देश के हैंडलूम सेक्टर को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले लोग प्राकृतिक फाइबर का इस्तेमाल खूब किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे सिंथेटिक फाइबर ने इसकी जगह लेनी शुरू कर दी। बुनकर भी समय के साथ पॉलिएस्टर जैसे सिंथेटिक फाइबर की ओर चले गए। हथकरघा उत्पादों की कई विशेषताएं हैं जो उन्हें मशीन से बने कपड़ों से अलग करती हैं। ये उत्पाद अधिक टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल और बेहतर गुणवत्ता वाले होते हैं। हथकरघा उत्पादों में विभिन्न प्रकार के डिजाइन और रंग होते हैं जो उन्हें अद्वितीय बनाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश का हैंडलूम बेहद ही खूबसूरत है, जो हमें हमारी परंपरा के सबसे करीब ले जाता है। जब भी आप कोई पारंपरिक कपड़ा खरीदते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी परंपरा और संस्कृति के बेहद करीब महसूस करते हैं। एक कपड़े को तैयार करने में भारतीय बुनकर जिस जुनून से काम करते हैं, उनकी जितनी ही सराहना की जाए कम है। हाथ से बुने गए कपड़ों की बात ही कुछ और है, जिसे शायद ही कभी कोई तकनीकी कॉपी कर पाएगी। हथकरघा उत्पादों की कई विशेषताएं हैं जो उन्हें मशीन से बने कपड़ों से अलग करती हैं। ये उत्पाद अधिक टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल और बेहतर गुणवत्ता वाले होते हैं। हथकरघा उत्पादों में विभिन्न प्रकार के डिजाइन और रंग होते हैं जो उन्हें अद्वितीय बनाते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कई कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। इनमें फैशन शो, हस्तकला प्रदर्शनियां, सेमिनार और कार्यशालाएं शामिल हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य हथकरघा उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बुनकरों को प्रोत्साहित करना है।